अध्याय 2 में, तो ये सूत्र दिया हुआ है x क्यूब माइनस y क्यूब। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि दो ब्रैकेट आते हैं, एक ये और ये सूत्र, इन दोनों में आप कैसे अंतर करोगे, जिसमें माइनस दिया होता है वो उसमें जब ये सिंगल जब टर्म रहती है उसमें माइनस आता है और पीछे वाले में प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दो भी नहीं आता है, ध्यान रखना, क्योंकि आप x माइनस वाई का स्क्वायर जब करते हैं तो यहाँ टू लिखते हैं। तो पहले वाले का आंसर कौन सा आएगा? डी। डी पहले वाले में आप लिख देंगे डी, या इसको लिख दो यहाँ पे डी वाले क्या लिख दो। अब एक्स क्यूब प्लस वाई की अब तो समझ में आई गया होगा, जब ये हो गया तो कौन सा वाला सी वाला ये क्या आ जाएगा सेकंड। अब है एक्स धन एक का शून्य, क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस वन। फिर है एक्स स्क्वायर धन दस, दो एक्स धन दस ए वाला सिर्फ घात, घात कितनी है चार, चार नहीं है चार नहीं है ये मैं उत्तर वाला हूँ, वो भी नहीं है, ये उत्तर ही गलत दिया है। आप इसको मान के चलो या तो इसका उत्तर दो होना चाहिए तभी आएगा, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा आपका चौथा। और पांच एक्स धन दो का शून्य, क्योंकि हमको पता है कि हम शून्य कैसे निकालेंगे, पांच एक्स धन दो बराबर जीरो, यानी पांच एक्स बराबर माइनस दो, यानी एक्स बराबर माइनस दो बटे पांच, तो इसका शून्य ये इसका उत्तर आ जाएगा पांचवा, ठीक है। अब ये वाला देखिए जोड़ी बनाओ का, इसमें क्योंकि आप जब सवाल हल करना होता है तब तो आप गुणा करके करेंगे, लेकिन यदि हमको सिर्फ जोड़ी मिलानी है तो हम आखिरी के गुणा देख सकते हैं। ये क्या दे रखा है चार दाम चालीस, किसमें दे रखा है ये यस, तो ये वाला आ जाएगा। और देख लेते हैं कि क्या दस और चार को जोड़ने से 14 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला इसका उत्तर है। अगला है आपका x धन आठ x माइनस दस, आठ और माइनस दस का बताओ कौन सा आएगा डी वाला, ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड। और ये जो घात तीन दे रखा है तो ये कौन सा होगा, सूत्र दे रखा है और ये वाला होगा, ये सूत्र। वर्ग करना है तो वर्ग का पूरा सूत्र ये आता है ना, वर्ग वाले जब तीन का वर्ग तीन टर्म दे रहे हैं एक धन वाई धन जेड, इनका तीनों का वर्ग करना होता है तो पहले तो इन तीनों का वर्ग आ जाता है, फिर दो का गुणा होके आपस में बराबर आ जाता है, एक बार एक्स और वाई वाई जेड जेड और उनका दो से गुणा, ठीक है। तो ये वाला आपका हो गया चौथा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये तो आपको पता ही है, ये पांचवा है। और दो एक्स धन एक की घात तीन का प्रसाद तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि दो का घन कितना होता है एक, तो ये वाला इसका उत्तर है। तो आपको ये सूत्र भी बहुत अच्छे से याद रखना है।